राम राम किसान भाइयों, हैशटैग इंडियन फार्मर इस यूट्यूब चैनल में आपका आप सभी का स्वागत है। आज के खेती के बारे में वीडियो में इसके जानकारी में आज हम देखेंगे कि इफको कंपनी का जो लिक्विड कॉर्न सॉर्टी आता है वो कैसा रहता है, इसका यूज क्या है और इस किन किन फसलों में इसका यूज किया जाता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को विनती है कि आप इस अपने जो चैनल है हैशटैग इंडियन फार्मर इसको सब्सक्राइब करें और खेती के बारे में नए नए वीडियो बाकी किसान भाइयों तक आप जरूर पहुंचाइए। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले देख लो ये इफको का कौन सा डिया होता कैसे है, ये देख लो आपको मिरर में अलग दिखेगा नाम। तो सभी आप लोग ये देख लो लिक्विड कॉर्न सॉर्टी कैसा होता है, ये इफको कंपनी का आता है, बाकी कंपनी का भी आता है क्रुपको या आरसीएफ वगैरह का। तो अभी देख लिए इसका यूज क्या है, किन किन फसलों में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमारे जगत में जो सभी फसल है उसमें इसका यूज किया जा सकता है, बट इसको यूज किसके साथ नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होते ज़्यादा केमिकल वाले इस इनके साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोलोस्पिरिलियम इनका मिश्रण होता है, इससे ये जो जीवाणु रहते हैं वो केमिकल से मर जा सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल केमिकल इंसेक्टिसाइड या जो बुरशीनाशक होते हैं फफूंदनाशक इसके साथ नहीं करना चाहिए। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, जो हमारा नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन करता है, एजोटोबैक्टर है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एजोलोस्पिरिलियम है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसमें रहता है पोटेश सोल्यूबल बायोफर्टिलाइज़र है, इसमें पोटेश सोल्यूबल बायोफर्टिलाइज़र मतलब क्या, पोटेश जो घुलनशील होता है ये जो घटक है ये रहता है, और इसके इस्तेमाल से हमारे फसल में क्या फ़ायदे होते हैं। तो देख लो कि फसल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और इनमें अभी कितनी कितनी बढ़ती है इनकी जो मात्रा है, तो मतलब जो नाइट्रोजन है वो बढ़ता है मुझे हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन 30 किलो तक बढ़ता है, जो फास्फोरस है वो बढ़ता है 35 किलो तक, और जो हमारा पोटेश है वो बढ़ता है 15 किलो तक। अब देखते हैं इससे क्या हमारे जो फसल है और उपजवार होती है फसल की इसमें कितनी वृद्धि होती है। लगभग जो गवर्नमेंट और कंपनी और जो विद्यापीठ है हमारे गवर्नमेंट के, इन्होंने बताया कि लिक्विड कॉर्न सॉर्टी के इस्तेमाल से हमारे फसल में लगभग 20-30% तक वृद्धि आई है। तो इसका इस्तेमाल हम सभी ने करना चाहिए। इसका और क्या फायदे है हमारी फसल में, तो लगभग 60 के जी तक यूरिया भी बच जाता है हमारा, 50 के जी तक SSP भी बच जाता है, और 25 के जी तक जो रहते हैं पोटेश वो भी बच जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो जान लीजिए इसका इस्तेमाल हम तीन स्टेप में कर सकते हैं। पहले स्टेप में है सीड ट्रीटमेंट में, दूसरी है जब हम जो पुनर्लागवड़ बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में क्या आता है उसका, हाँ जो आता होगा वो पुनर्लागवड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या
फसल जब खड़ी है तब इस्तेमाल कर सकते हैं, या फोर्थ में भी उसका इस्तेमाल कैसे करें, जो हमारा फर्टिलाइजर है उसके साथ भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी तो जो सीड ट्रीटमेंट में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसका। तो सीड ट्रीटमेंट में लगभग ये लेना चाहिए 250 मिली, 250 मिली मिलाना चाहिए लगभग 2 या 3 लीटर पानी में, वाटर में। और जो हमारा सीड है उसमें भिगो देना चाहिए हमें, या भीगने के बाद उसको निकलने के बाद हमें ये रखना चाहिए और फैन के नीचे, या जो हमारा घर है चाल है उसमें, क्योंकि उसको ज़्यादा जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि वो जो अनएक्टिव होते रहते हैं ऐसे। और करना क्या है कि ये सब होने के बाद जल्दी से जल्दी हमारा जो सीड है वो हमारे खेत में हमें डाल जाना, वो जल्दी करनी चाहिए। हाँ, और एक बात ध्यान में रख दीजिए कि जब हम जो प्याज के बीज है उस पर इसका इस्तेमाल करते हैं तब कैसे करना है कि लगभग 250 ml कॉन्सर्टिया लेके लगभग आधा लीटर पानी वाटर लेके इसके इस्तेमाल हमें किलो के हिसाब से कर देना चाहिए। और जैसे बाकी बीजों को क्या है वैसे भी इस प्याज के बीज को भी करना चाहिए। और दूसरा प्रकार में अब हम आते हैं, इसको बोलते हैं पुनर्लागवड़। पुनर्लागवड़ में कैसे है कि जब हम जो पौधा होता है छोटा, हम एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, जैसे प्याज का पौधा हो गया, केली का पौधा हो गया। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो आधा तास उस लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन में भिगो देना चाहिए। लगभग कितना लेना चाहिए, अभी 250 ml 250 ml कॉन्सर्टिया 5 लीटर पानी में लेना चाहिए। अभी जो जब हम फर्टिलाइज़र के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं तीसरी भाग में, तो कैसे करना चाहिए, लगभग जो हमारी 50 किलो को बोरी है उसमें लगभग 1 लीटर कॉन्सर्टिया का इस्तेमाल हमें कर देना चाहिए। और जब हम खड़ा पी के, मतलब हमारे खड़ी फसल है उसमें इस्तेमाल करते हैं चौथे भाग में, तो ड्रिप से तो एकड़ में 1 लीटर या 2 लीटर छोड़ते तो बहुत अच्छा रहेगा, या हम जब स्प्रे करेंगे तो 1 लीटर स्प्रे भी बहुत अच्छा होता है। इससे क्या हमारी फसल की वृद्धि होगी और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और क्या करते हैं कि सब भाई हम दुकान में जाते हैं फर्टिलाइज़र के, तब जो हमारा शॉप ओनर है वो बोलता है ये ले लो कॉन्सर्टिया। हम बोलते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, पहले नहीं था अभी कैसे आया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने, कंपनी ने आपके लिए बनाए, आपके खेती के लिए बनाए, इससे आपकी फसल में उपज बढ़ेगी, वृद्धि आएगी, इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। हम जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारी खेती में कोई भी अच्छी वृद्धि नहीं होगी। होएगी भी तो क्या होगी, का ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें, एक कम खर्चे में लगभग इसकी जो कीमत है अभी हम बोल के बताते, 200 रुपया है, सिर्फ 200 रुपया। 200 रुपये में क्या लीटर भर, बाकी कंपनियों का कुछ आता है क्या, इसका आता है। इसलिए इस लिक्विड कॉन्सर्टिया का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। और अगले भाग में हम जानेंगे लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करिए, बेल आइकन को भी दबाइए और अपने किसान भाइयों तक ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।